श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अभी अगन मास चल रहा है, क्या आपके जीवन से परेशानियों दुखों का दौर अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है, बीमारियों का नाश नहीं हो रहा है? तो आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का अगन मास का सबसे विशेष और जोरदार उपाय करना है। इस उपाय को हम विस्तार पूर्वक पहले आज की इस वीडियो में जानेंगे। विस्तार पूर्वक जानने के बाद आप यह उपाय करिएगा। इस उपाय की महत्वता पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कई बार अपनी कथा के दौरान बताई है। बस यह छोटा सा उपाय आपको एक बार अवश्य ही करना है, अगर दुखों का दौर समाप्त नहीं हो पा रहा है तो। बहुत से उपाय करने के बावजूद भी काम सिद्ध नहीं हो रहे हैं, यह छोटा सा उपाय इस अगन मास के पहले सोमवार को करिएगा। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पूर्व सोमवार के दिन प्रातः काल स्नान आदि कर लीजिएगा। स्नान आदि करने के बाद आपको क्या करना होगा कि 5 दीपक आपको लेने हैं, आटे से बने हुए 5 दीपक लेने के बाद उसके साथ में आपको घी लेना है। घी के दीपक हम यह 5 प्रज्वलित करने वाले हैं, थोड़ी सी हल्दी 5, आपको काली मिर्च भी साथ में लेनी है। यह सब विस्तार पूर्वक आप पहले इस उपाय को जानिएगा। यह सब लेने के बाद सबसे पूर्व 1 दीपक आटे से बना हुआ बत्ती लेकर और 5 काली मिर्च जो आपने ली है उसमें से 1 काली मिर्च और चुटकी हल्दी और 1 शुद्ध लोटा जल लेकर किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। प्रातःकाल आप यह उपाय कर सकते हैं और दिन भर में भी आप यह कभी भी किसी भी समय उपाय यह कर सकते हैं। शिव जी को जल अर्पित करने के बाद आपको जो दीपक आप लेकर आए हैं मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने से पहले उसके अंदर आपको 1 काली मिर्च और चुटकी हल्दी डाल देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए यह दीपक आप मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। बाकी बचे हुए 4 दीपक आपको प्रदोष काल के वक्त प्रज्वलित करने हैं। 1 दीपक आपने मंदिर में महादेव के प्रज्वलित करने के बाद दूसरा दीपक आपको प्रदोष काल के वक्त पीपल के वृक्ष के नीचे 1 काली मिर्च और चुटकी हल्दी डालकर प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको तीसरा दीपक माता तुलसी के पौधे के पास प्रज्वलित करना है, 1 काली मिर्च और चुटकी हल्दी डालकर। वहीं चौथा दीपक आपको अपने घर के दरवाजे के दाहिने हाथ की ओर जलाना है, 1 काली मिर्च और चुटकी हल्दी डालकर। 5वां दीपक आपको किचन में, आप जहां आपका रसोई घर है आप वहां पर मटके के पास में आपको यह दीपक रख कर पूरी विधिवत रूप से जिस प्रकार से चारों दीपक जो आपने जलाए हैं 1 काली मिर्च और चुटकी हल्दी डालकर आपको यह आखिरी दीपक भी प्रज्वलित करना है। सोमवार के दिन माता लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में रहता है। प्रदोष काल के वक्त अगर आप यह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। वहीं महादेव के मंदिर में 1 दीपक प्रज्वलित करने से महादेव की अपार कृपा मिलेगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा, रिद्धि सिद्धि का वास होगा, अपार धन की प्राप्ति आपको प्राप्त होगी, दुखों का दौर समाप्त होगा, महादेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में। इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।